इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और कुछ अन्य पदों की भर्ती आई हैं, जिस संदर्भ में कल से ही काफ़ी मैसेज आप लोगों के आ रहे हैं। तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब, हालांकि आपके प्रश्न तो हमको नहीं पता हैं, लेकिन जो सामान्यतः प्रश्न रहते हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अन्य जो भी प्रश्न रहेंगे वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ पे आप करेंगे, चाहे एलिजिबिलिटी संबंधी हो, चाहे जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम उसका उत्तर देंगे आपको। अभी डिस्कस करेंगे परीक्षा की मेन मेन बातों पे। सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में आता है कि UPPSC का जो RO ARO का एग्ज़ाम होता है, अर्थात जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कराती है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, इससे और उसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस वर्क कल्चर का है थोड़ा सा। RO ARO जब आप प्रशासन के स्तर पर सचिवालय और आयोग में काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा अन्य परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिल जाता है, समय मिल जाता है। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिज़ी शेड्यूल है काफ़ी, और सुबह से शाम तक आप बिज़ी रहेंगे काम में, काम बहुत ही ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। तो वर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्कलोड है, अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए उतना सही जॉब नहीं है। लेकिन हालांकि आजकल रोज़गार की इतनी किल्लत है कि आपको और कोई विकल्प नहीं है, आपको परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, UPSC आज देना चाहते हैं, तो यहाँ से आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, और छुट्टियाँ भी सचिवालय और आयोग की तुलना में कम हैं यहाँ पर। हालांकि गजटेड हॉलीडे और अन्य जो छुट्टियाँ वो तो मिलेंगी ही, इसके अलावा आपको दो ही शहर लखनऊ या इलाहाबाद में ही रहना है, क्योंकि एक इलाहाबाद में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और लखनऊ में इसका बेंच है, पीठ है, तो ये दो ही जगह आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये भी एक बेनिफिट है कि दो ही शहरों में, जैसे आपको UPPSC में रहना होता है, यहाँ भी दो ही शहर में आपको रहना होगा। जो लोग इलाहाबाद लखनऊ या आसपास के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है कि आप डेली अप डाउन कर सकते हैं, अपने घर से ही अप डाउन कर सकते हैं, सैलरी अच्छी है, पद भी अच्छा है, आगे प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, रजिस्ट्रार आदि तक जाएंगे, बहुत ताकतवर पोस्ट होती है हाईकोर्ट की, और अच्छा खासा जुडिशरी पे आपका पकड़ भी रहेगा। तो कई लिहाज से बहुत अच्छी है, और कुछ लिहाज से अगर देखा जाए आगे की तैयारी के हिसाब से, वर्क के हिसाब से, तो थोड़ा सा उसकी तुलना में आप इसको कम आंक सकते हैं। ओके, इस बार से नए तरीके से परीक्षा होगी, मतलब कि टाइपिंग आपकी उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आप परीक्षा देंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतज़ार करना होगा और फिर टाइपिंग, नहीं, आपका फाइनल रिजल्ट जो आएगा, ठीक है, उसी में आपको पास कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा नहीं होनी है इसकी, एक ही परीक्षा होगी, उसी दिन टाइपिंग होगा, और दोनों मिलाकर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अर्थात जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके सिलेक्शन का रिजल्ट होगा, आपकी नियुक्ति का रिजल्ट होगा एक प्रकार से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए, यहाँ हिंदी का कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में होनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग। 500 वर्ड दिए जाएंगे, 20 मिनट में आपको टाइप करना होगा। और चलिए आपको बता देते हैं मेन मेन चीज़ें, और जो भी सवाल आप लोगों के होंगे उसका भी जवाब हम देंगे। ये दो पद हैं, रिव्यू ऑफिसर का लेवल 8 का है और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का लेवल 7 में है। अगर ग्रेड पे में इसको कन्वर्ट करें तो 4800 में रिव्यू ऑफिसर आता है, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ये आपका 4200 में आता है, 4200 ग्रेड पे में। और क्वालिफ़िकेशन जो आप लोगों को चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा बैचलर डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस से हैं तो सही है, डिग्री है कंप्यूटर साइंस में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो वो भी आपका चलेगा। डिप्लोमा है तो भी चलेगा कंप्यूटर में, ओ लेबर सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, CCC सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, अगर CCC वो आप एक महीने वाला जो करते हैं वो भी इसमें मान्य है। और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इसके लिए कोई आपको प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, ये आपके टेस्ट में साबित हो जाएगा कि आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट है कि नहीं। इंग्लिश टाइपिंग बहुत ज़्यादा नहीं है 25 वर्ड मिनट पर मिनट, इंग्लिश में अमूमन अगर आप 20-25 दिन 30 दिन अगर प्रैक्टिस करें तो आपकी हो जाती है, अगर पहले से आप मोबाइल वगैरह चलाते ही आ रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह चलाते ही आ रहे हैं,
तो ये बहुत बड़ा आपके लिए चुनौती नहीं है। अगर जो लोग सोच रहे हैं जिन्होंने कभी टाइपिंग नहीं की है, आप टाइपिंग करिए, 15 से 20 दिन में आपकी स्पीड आ जाएगी अच्छी खासी। 25 वर्ड पर मिनट बहुत कम स्पीड मेरे हिसाब से होती है। सेम इसमें भी है, इसमें भी 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। बाकी वही आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है जो उसमें मांगा है आर ओ में। दोनों में कोई अंतर नहीं है, पदों में अंतर है। पद रिव्यू ऑफिसर में 46 हैं और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में 350 हैं। एक ही शिफ्ट में दो पेपर होंगे, ये भी कहा गया है अगर नंबर आप स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो दो शिफ्ट में ऑर्गेनाइज करा देंगे एग्ज़ाम। ठीक है, दो से अधिक शिफ्ट में भी हो सकता है, लेकिन अगर दो से अधिक शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन वाला भी जो मेथड है उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि वो बात की बात है, अगर ऐसा होता है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं कई शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो रिव्यू ऑफिसर का जो पहला दो पार्ट में होंगे पेपर, दोनों ही पेपर आपको एक ही बैठक में देना होगा, 15 मिनट का गैप दिया जाएगा आपको। पहला जो पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा, 200 नंबरों के होंगे, 200 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ठीक है, ड्यूरेशन 3 घंटे इसके लिए आपको दिया जाएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इसमें, साफ साफ है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इसमें, और कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी नहीं है, 0 मार्क्स भी पाएंगे तो हो जाएगा। मतलब एक कहने का मतलब है कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इसमें नहीं है। दूसरा जो पेपर है मैक्सिमम मार्क्स उसके 50 हैं, अर्थात कुल पेपर आपका दोनों मिलाकर 250 अंकों का होगा, उसी में आपका रिजल्ट आएगा। इसमें ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 500 शब्दों में आपको टाइप करना होगा जो दिया जाएगा, सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग है ध्यान रखिएगा, और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया अर्थात 25 मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए। समझ रहे हैं आप, 25 मार्क्स मतलब 500 में से 250 आपको टाइप अगर आप सही कर लेते हैं, और कोई निगेटिव मार्क नहीं करते इसमें, निगेटिव मार्क भी रखे इन्होंने कि अगर एक वर्ड गलत होता है आपका तो उसमें 0.01 नंबर काट लिए जाएंगे, 0.1 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर 10 वर्ड गलत करते हैं तो आपको 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो आपको यहाँ से ही आपका डर सारा समाप्त हो जाना चाहिए। अगर पहले पेपर में आप अच्छा खासा अंक ले आ देते हैं, सेकेंड पेपर में आप औसत कर देते हैं, 25 वर्ड पर मिनट मान लीजिए बहुत ही स्लो हैं आप, कछुए हैं, तो भी आप सही सही टाइपिंग कर लेते हैं तो भी आप 30 से 40 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और फर्स्ट पेपर में अगर बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण नंबर है आपका तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसलिए सेकेंड पेपर से डरने की ज़रूरत ही नहीं किसी को, ये सेकेंड पेपर बाधा बन ही नहीं सकता आपको। सामान्य अगर टाइपिंग जानकारी है तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो टाइपिंग में आप लोग लग जाइए अगर आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के लिए, अच्छा खासा आपके पास मौका है। इसमें जो जीएस आप पढ़ते हैं अमूमन UPSC के लिए, RO आदि के लिए वही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी, उत्तर प्रदेश विशेष रहेगा, कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज रहेगी, इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग आदि रहेगी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं रहती है, 5 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के भी इसमें। ठीक है, पार्ट सेकंड आपको बता ही चुके हैं, इसमें लिखा है 500 वर्ड आपको कंप्यूटर पे टाइप करने होंगे जो आपको दिए जाएंगे। ठीक, यही सिलेबस आपका ARO की परीक्षा के लिए भी है, कोई अंतर नहीं है, केवल पदों में अंतर है, बाकी परीक्षा का जो मॉड है, जो चीज़ें सिलेबस वगैरह है सेम है। ओके, एग्ज़ाम डेट अभी दी नहीं है, जब भी घोषित होगी या फिर ऐसा कुछ डिसाइड होता है तो बताएंगे आपको। 17 अगस्त से आप अप्लीकेशन कर सकते हैं, अर्थात आज से आप अप्लीकेशन कर सकते हैं 16 सितंबर तक। ठीक है, ये आपकी डेट दी हुई है सही, और ये आपकी फ़ी दी हुई है जनरल OBC की 800 रुपये है, दोनों ही पदों के लिए अलग अलग आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। SC ST उत्तर प्रदेश के लिए 600 रुपये है फीस, कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन का भी मौका 18 से 21 सितंबर तक आपको दिया जाएगा। अन्य कोई प्रश्न हो तो अगर आप कोई भी डाउट रखते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 9453775039, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के लिए हमारा संपूर्ण कोर्स में एडमिशन भी प्रारंभ हो गया है, आप लोग चाहें तो इसी नंबर पर संपर्क करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सारी क्लासेस चलेंगी, PDF वीडियो मटेरियल और टेस्ट
और जो टेस्ट होंगे वो जो लोग टेस्ट दे रहे हैं हमारे PCSRO के, वो समझ रहे होंगे कि टेस्ट की गुणवत्ता कैसी होती है, तो उतना ही पर्याप्त रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि टेस्ट ही अगर सॉल्व कर लेते हैं तो वो भी पर्याप्त रहेगा। इस कोर्स में इंक्लूड रहेगा टेस्ट सीरीज़ भी, और जो जितना भी टेस्ट होगा उतना लगा लेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवा देंगे, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हाई कोर्ट RO ERO में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।